नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक में मुद्दे की बात आज ये कि यूपी सरकार एक नया अध्यादेश लाने जा रही है, उसकी तैयारियां चल रही हैं, सुझाव मांगे जा रहे हैं, जिसके तहत अब किरायेदार और मकान मालिक के बीच सालों साल से चले आ रहे विवाद को खत्म किया जा सकेगा। दरअसल ये अध्यादेश इस बात को लेकर के है कि आखिरकार किरायेदार और मकान मालिक के बीच में किस तरह के बिजनेस टर्म्स होंगे, यानी किस तरह के संपर्क और संबंध होंगे, जिनकी जानकारी प्राधिकरण को यानी सरकार को भी देनी होगी। और इसमें सबसे अहम मुद्दा है किरायेदारी को बढ़ाने को लेकर के, किराया बढ़ाने को लेकर के, यानी कि मकान मालिक किन शर्तों और किन स्थितियों में किराया बढ़ा सकता है, उसको इस अध्यादेश में मंजूरी दी जाएगी। अभी तक आमतौर पर हर साल मकान मालिक किरायेदार के 10% किराए को बढ़ा देता था, चाहे वो कॉमर्शियल या आवासीय यूज की जगह हो, और इसको लेकर कई बार वाद विवाद सामने आते थे। इसी को लेकर के आवास विभाग ने सुझाव मांगे हैं और इन सुझावों के आधार पर एक अध्यादेश लाया जाएगा, जिसको किरायेदारी अध्यादेश 2020 कहा जाएगा। और इसी के सहारे, इसी के आधार पर किरायेदार और मकान मालिक के बीच नियम और शर्तें तय होंगी। इन नए नियम और शर्तों के मुताबिक, हमारी जानकारी के मुताबिक, जो अध्यादेश आएगा उसमें अब मकान मालिक किराए को 10% नहीं बढ़ा पाएंगे। मकानों के लिए किराया 5% एक साल में बढ़ाया जा सकेगा और 7% अन्य आवासीय या अन्य कॉमर्शियल जगहों के लिए होगा। ये नियम सरकार द्वारा तय किए जाएंगे और इसको आवास विभाग मॉनिटर करेगा। हर किरायेदार को रखने से पहले एक प्रारूप में सारी जानकारी भर करके भी इस प्राधिकरण को देनी होगी, जिसकी वजह से ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार कौन शख्स किस जगह पर किराए पर रह रहा है और किस शहर, किस इलाके में कितने किरायेदार रह रहे हैं। उनके आधार पर तमाम प्लानिंग को भी तय किया जाएगा। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी साफ होगा कि आखिरकार जो रहने वाला शख्स है उसका बैकग्राउंड क्या है, यानी पृष्ठभूमि क्या है। कहीं वो किसी आपराधिक प्रवृत्ति का तो नहीं, कहीं वो कोई आतंकी तो नहीं, और कहीं उसके खिलाफ कोई मुकदमा तो नहीं है, भगोड़ा तो नहीं है, कोई अवांछित तत्व तो नहीं है। अब किसी भी मकान मालिक को किरायेदार को रखने से पहले उसके बारे में जानकारी देनी होगी और एक फॉर्मेट में उसको भर करके बताना होगा कि किरायेदार आखिर कौन है और कितने दिन तक रहने वाला है। उसके परिवार के बारे में पूरी डिटेल देनी होगी और साथ ही साथ 3 महीने के भीतर अगर इस तरह का फॉर्मेट और डिटेल भरकर नहीं दी जाएगी तो उस पर कानूनी एक्शन भी हो सकेगा। इसके अलावा किरायेदार को अब अपने बारे में सारी जानकारी सही सही देनी होगी। इसके लिए एफिडेविट का भी सहारा लिया जा सकता है, लेकिन अभी इस पर सुझाव मांगे गए हैं। सुझावों के मुताबिक कोई भी नागरिक, कोई भी अधिकारी, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अनुभवों से गुजरा हो अपने सुझाव दे सकता है, और अगर इस पूरे प्राधिकरण को लगता है कि उसके सुझाव को शामिल किया जाए तो अध्यादेश में शामिल भी किया जाएगा। इस सब के अलावा अगर 2 महीने तक किरायेदार मकान मालिक को किराया देने में असक्षम रहता है और मकान मालिक उसको मकान से निकालना चाहता है तो कानूनी आधार पर उसको मकान से निकाला जा सकेगा। इसके लिए बाकायदा इस बात का बस सबूत होना चाहिए कि किरायेदार ने जानबूझ करके किराया नहीं दिया है। यानी आने वाले दिनों में अगर सुझावों के आधार पर अमल होता है और यह अध्यादेश सामने आता है तो मकान मालिक और किरायेदारों के बीच सालों साल से चली आ रही विवाद की इस प्रक्रिया को, इस कड़ी को तोड़ा जा सकेगा। सरकार ने इस अध्यादेश को लाने से पहले तमाम लोगों से सुझाव सिर्फ इसलिए मांगे हैं ताकि हर एक बात को, हर एक दिक्कत को, हर एक जरूरत को और हर समस्या को इसमें शामिल किया जा सके और उसके हिसाब से हल निकाला जा सके, उसके बाद इस अध्यादेश को लाया जाए। तो फिलहाल सरकार इस बात की तैयारी कर रही है कि मकान मालिक और किरायेदार के बीच कोई विवाद न होने पाए और सारी जानकारियां किरायेदार के बारे में सरकार के पास भी हों, जिससे पता चल सके कि आखिरकार कौन कहां और किस हालात में रह रहा है। और अगर कभी लगता है कि इसमें कोई कानूनी अड़चन है या कानूनी जरूरत है तो उसके हिसाब से उस पर एक्शन भी लिया जा सके। तो उत्तर प्रदेश सरकार के नए किरायेदारी अध्यादेश 2020 को लेकर के ये थी यूपी तक की खास पेशकश। प्रदेश की बाकी ताजातरीन और बेहतरीन खबरों के लिए आप देखते रहे यूपी तक। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।